गया है 1800 रुपए। ड्रेस के लिए नहीं, ड्रेस के लिए 1000 है। ड्रेस के लिए 1000, ऐसा इसलिए दिया जाता है, दिया गया है कि जिनके पास मान लेते हैं कि ड्रेस खरीदने के लिए, अतिरिक्त ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं हो, तो वो भी ड्रेस कर लें। और सारे लोग एक ड्रेस में आए तो क्लास में जो है सो ऐसा प्रतीत हो कि सारे बच्चे एक समान है, पर है भी ऊंचा नीचा मिली गरीबी ये सब चीज महसूस नहीं हो क्लास में। इस कारण से जो है सो ड्रेस का एक कोड, ड्रेस कोड लागू किया गया है स्कूल वगैरह में, तो ड्रेस कोड में हमेशा जो है सो रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, डरना क्या है, हम आपको पकड़ नहीं सोच रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, जोर से बोलो, ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा सा जो है सो शब्द में अरस्तु, अरस्तु कहना चाहते हैं। अरस्तु शब्द है ना, हम जब इस्तेमाल करते हैं राजनीति विज्ञान में, समाजशास्त्र में, वहाँ अरस्तु शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन जब फिलोसफी में इस्तेमाल करते हैं तो जो उसका ग्रीक नेम है वो है एरिस्टॉटल, ठीक है, वही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा बैठिए, आप लोगों में से जब आप टिश्यू पा रहे हैं तो सेल पढ़े हैं, हाँ, सेल किसको कहते हैं, शरीर की सबसे छोटी सेल कहते हैं, जो प्रत्येक सजीव, प्रत्येक सजीव, प्रत्येक जीव जंतु का शरीर कोशिकाओं सेल से बना होता है, सेल को जीवन की सकारात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, इसको सेल है ना, ये सेल है, ये सेल है, ये सी की तरह है, ये सेल है ना, ये सेल नहीं है ना, ये सेल माने बेचना, और ये सेल का मतलब होता है चैम्बर, चम्मा, चम्मा समझते हैं, जब हम कार्यालय में जाते हैं तो कहते हैं कि ये सीओ साहब का चैम्बर है, ये बड़ा बाबू का चैम्बर है, ये छोटा बाबू का चैम्बर है, ये हेडमिस्ट्रेस का चैम्बर है, ये असिस्टेंट टीचर का चैम्बर है। चैम्बर का मतलब होता है कक्ष, अगर उसका हिंदी में है तो, ठीक है ना। सेल जो है हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं ऐसे कहिए कि जब हम किसी घर को बनाते हैं तो छोटा छोटा ब्रिक लगाते हैं, ठीक है, ब्रिक लगाते हैं ना, ब्रिक समझ गए ना, ईंट, हाँ, कई ईंटों को मिलाकर घर बनाते हैं ना, ठीक है ना, कई ईंटों को मिलाकर ढेर सारा ईंट बनता है, वो सारा ईंट क्या करता है, हमारे लिए बेस फाउंडेशन तैयार करता है, हमारे पूरे घर का स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है ना। तो कोशिका जो होता है जीव शरीर की संरचनात्मक, ठीक है, और कार्यात्मक और साथ साथ फंडामेंटल, एकदम जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो कार्यात्मक दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से होती है, उतना ही काम एक कोशिका में भी होता है। और वही जब समेकित रूप से सारी कोशिकाओं, जो हमारे शरीर में कई अरब कोशिकाएं हैं, वो सारी कोशिकाएं जब का काम को इकट्ठा करते हैं तो पूरा काम जो है जीव शरीर का काम करता है, यानी हमारा काम करता है, जब हम बोल रहे हैं तो हमारा जीव उसकी कोशिकाएं इकट्ठी है, हमारा कंठ उसकी पटी कोशिकाएं इकट्ठी है, हमारा दांत, यानी पूरा जो है सो हमारा जो वोकल सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम की एक एक कोशिकाएं जो है सो अपना कार्य कर रही है, जब सारा कार्य जब समेकित होता है तो एक आवाज के रूप में बाहर आता है, ठीक है। जब हम हर चला रहे हैं तो हमारी मांसपेशी, हमारा फिंगर, हमारा शरीर, हर चीज एक्टिव होता है, और वो जितना काम हम कर रहे हैं उतना काम एक कोशिका भी कर रहा होता है, लेकिन कोशिका को हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, ओपन आई देख नहीं सकते हैं, तो उसके काम को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब उसको हम माइक्रोस्कोप रूप से देखेंगे तो हर काम दिखेगा, ठीक है ना। तो जीव शरीर की सबसे कार्यात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है, और संरचनात्मक इकाई इसलिए क्या कहा जाता है कि कई लाख, कई करोड़, कई अरब कोशिका मिलते होंगे पूरे शरीर का, यानी एक एक कोशिका को हटाए तो मेरा पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, किसी भी जीव का पूरा शरीर ही खत्म हो जाएगा, उसके एक एक कोशिका को हटा दिया जाए तो, यानी
एक एक कोशिका मिलके ही कई अरब कोशिका मिला है और कई अरब कोशिका मिलके ही हमारे शरीर का निर्माण किया। जैसे इस बिल्डिंग को ले, अगर एक एक ईंट को हटा दे तो बिल्डिंग का अस्तित्व खत्म हो जाए, बिल्डिंग रहेगा नहीं रहेगा। उसी तरीके से अगर हम एक एक कोशिका को हटा दे तो हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, इसलिए वो हमारा जो है शरीर का जो है सो संरचनात्मक इकाई भी कहलाता है। और फंडामेंटल एक शब्द है यानी बेसिक, यानी ये सारी चीजें एक बेस एक प्लेटफॉर्म पर होती है, इसलिए इसको बेसिक भी कहा जाता है, यानी इसके बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छा है, आप लोग थोड़ा अच्छा से पढ़िए, विज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको जब पढ़िएगा ये समझेगा ना, समझेगा ना, तो ये लगता है कि कुछ जादू जैसा विषय है, एकदम समझ में आएगा ना, जब खूब मेहनत कीजिए समझ में जब आएगा, इतना आसान है, इतना आसान है कि चूंकि इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फिक्स फ्रेम होता है। जैसे अब आपको कहेगा कि गाय पर लिख लीजिए, अब क्या लिखेंगे बताइए, जितना उसका वर्णन कर सकते हैं आप, कल्पना शक्ति जितनी उड़ सकती है। अब कोशिका को हम चलेंगे तो कोशिका को चलेंगे तो उसका फ्रेम है, जहां तक अभी इन्वेंशन है उसके बारे में हम उतना ही फ्रेम तक रह पाएंगे। ठीक है, उसके बाहर नहीं जाता है, पाते हैं। अच्छा, कोशिका में दो तरह की कोशिकाएं होती है, एक होता है दो तरह की कोशिकाएं, एक एनिमल से लड़क, हम देखिए जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात है, वहां तक चल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम चलेंगे एकदम नाइन्थ के लेवल पर। तो नाइन्थ के लेवल पर कोशिका को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एनिमल से और प्लांट से। दोनों में सबसे बेसिक अंतर क्या है तो बताएंगे, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? सबसे बेसिक से उसका कोशिका भित्ति सेल वॉल, और दूसरा दूसरा एक कोशिका में सेंट्रोमियर पाया जाता है, बीच का जो भाग होता है, एक एक बोलिए ना, बोलिए ना, अच्छा बोल रहा है, तुम लोग ही बोलो, अगर तुम लोग को याद, अरे लड़कियां तुम लोग ऐसा खाली खाने पर रहती है, खड़ा जाओ बोलो, बोलो आप भी बताइए, क्या अंतर है दोनों, आप भी बताइए, आप लोग भी बताइए, खराब बताओ दोनों। तो लड़कियाँ बहुत तेज हो रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब जगह तो जो है लड़कियाँ टॉप कर रही है, लड़के पिछड़ रहे हैं, आपने प्रूफ किया है तो यहाँ भी प्रूफ कीजिए। जंतु कोशिका में रचनानी बहुत बड़ी होती है, और देखिए एक बात समझ लीजिए, दोनों कोशिकाएं फंडामेंटल दो ही अंतर होता है, क्या अंतर होता है, एक जो अपने सेल वाल और प्लाज्मा वाल मेम्ब्रेन की बात, ठीक है, एक कोशिका हमारा है मान लेते हैं कि हमारा ये कौन कोशिका कहलाएगी, मोटा मोटी ये जो है सो हो जाता है प्लांट से, ठीक है, और एक कोशिका कौन सा है, एक है एनिमल सेल, एक है हमारा जंतु कोशिका। तुझे पढ़ाने नहीं आओ भाई, ऐसे ही थोड़ा सा मन लगने के लिए आ गया हूँ, चलो देख लेता हूँ, ठीक है ना। एक तो सेल वाल का अंतर है, ठीक है, क्योंकि ये बनता है सेलुलोज से, सेलुलोज से बनता है ना, और ये बनता है सेल वाल का अंतर हो गया, सेल वाल, और ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये बनता है हमको फॉस्फोलिपिड से और ग्लाइकोप्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन, किसी चीज को प्रोटीन अलग चीज होता है, ग्लाइकोप्रोटीन अलग होता है। और दूसरा जो सबसे बेसिक अंतर होता है वह होता है प्लास्टिक से, जिसको हम लोग लवक करते हैं, ऐसा इसलिए होता है यहाँ पर प्लास्टिक पाया जाता है, ठीक है, और इसमें प्लास्टिक नहीं पाया जाता है, और ये अंतर प्लास्टिक होने से क्या होता है कि पौधा जो अपना कलर रखता है
डिफरेंट टाइप का कलर, कोई पीला होता है, कोई रेड होता है, कभी कभी व्हाइट हो जाता है, कभी ग्रीन, को सब पौधे होते हैं। रेड पौधे का कोई एग्जाम्पल बताइए, लड़कियां बताएगी। लाल पौधा, लाल पौधा होता बताओ, कोई ऐसा पौधा बताओ जो लाल हो। अरे तुम लोग साग नहीं खाते हो? अच्छा एक बात बताते हैं, हमारे साथ फ्लावर भी फ्रेश होगी, फ्लावर बनाते हैं, पीला फ्लावर भी होता है, रेड फ्लावर भी होता है, व्हाइट फ्लावर भी होता है, उसके अलावा रोज का गुलाबी फ्लावर होता है ना। ये सब चीज तय करता है प्लास्टिक, जो कि जंतु सेल में नहीं पाया जाता, जंतु सेल में प्लास्टिक नहीं पाया जाता, इसलिए जो है सो हम लोगों में पिगमेंट पाया जाता है, वो स्किन है, इसलिए लोग बुरा काला होता है, वो पिगमेंटेशन की वजह से है। जैसे कुछ लोग अभी इसको ठंडा में रख देंगे, गर्म में रख देंगे तो और थोड़ा सा काला दिखने लगेगा, ठीक है, नहीं तो धूप में वो ज्यादा जैसे सुमिटेशन प्रकट करता है और वो ज्यादा उभर जाता है। जैसे कोई बच्चियों में बोली बच्ची है उसको भी रख देंगे तो थोड़ा सा उसमें सांवलापन आएगा धूप में, ठीक है, लेकिन पौधे को धूप में रखे, छांव में रखे, ठीक है, वो हमेशा मैक्सिमम। जैसे यहाँ पर भी केला के पौधा को देख रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर केला के पौधा की इसकी पत्तियां क्या स्वरूप ले रही है, वो हरा से पीला बनती जा रही है, ठीक है। तो प्लास्टिक जो होता है वह जैसे एक मूव करता है, जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जवाबदेह होता है हरे के लिए, ल्यूकोप्लास्ट जवाबदेह होता है व्हाइट के लिए, रोडोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है रेड के लिए। तो ये हमारा जो है सो प्लास्टिक के कारण ये अंतर आता है, जिसको हम लव करते हैं। ठंडा के लिए दो ही अंतर है, और से जो अंतर है वो छुपा हुआ हिडन अंतर है, तो मुख्य रूप से अंतर के लिए। अब बताइए कि इसको क्या जरूरी है कि ये बने सेल वाल जो है एक परमानेंट स्ट्रक्चर, एक कठोर स्ट्रक्चर होता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? सेल वाल यानी जो प्लांट सेल होता है उसका जो शेल होता है, उसका जो वाल है सेल वाल, वह सेलुलोज का बना होता है, यानी इसमें सेल वाल क्यों, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों, जबकि ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए पौधा के तुलना में एनिमल को। देखिए पौधा होता है काष्ठीय, काष्ठीय मतलब काठ, काठ समझ जाएगा, जैसे ये काठ का जैसे, तो पौधा का स्वरूप जो है सो हमेशा काष्ठीय होता है, और काष्ठीय स्वरूप प्रदान करता है उसका सेल, ठीक है। जब आप अभी मैडम पढ़ा रहे हैं आपको टिश्यू, ठीक है, तो जब टिश्यू पढ़िएगा तो उसमें जाकर के ये चीजें दिखाई की जाती है। अच्छा टिश्यू क्या है जरा बताइए, तो आपको टिश्यू पढ़ रहा है, टिश्यू का कोई परिभाषा, बैठ जाइए आप बैठो, टिश्यू का कोई दूसरा नहीं परिभाषा बताऊ, ठीक है, बल का परिभाषा इतना है कि किसी खिंचाव या धक्का को बल बनाते हैं, ठीक है। आप उसको जो है सो बहुत अच्छा से लिखिए न्यूटन के अनुसार, ठीक है, जब किसी एक समान रेखा पर अवस्थित किसी वस्तु पर जब बल लगाया, जब बाहरी धक्का लगाया जाता है तो वस्तु एक समान गति से जो है सो जब